हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम लोग उसके आगे करेंगे। टॉपिक जो चल रहा था और टॉपिक हमारा है अब क्रिया की आणविकता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अभिक्रिया की आणविकता। सॉरी, कल की हेडिंग पढ़ गए, सॉरी बेटा। कोट, अभिक्रिया की कोट वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटि वाला और आणविकता वाला दोनों के बेटा दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा आपके। और गुड मॉर्निंग बेटा आकृत, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग बेटा। अभिक्रिया की कोट और अभिक्रिया की आणविकता दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। डिफिनेशन के तौर पर पूछा जाए या किसी ना किसी रूप में जरूर बेटा पूछा जाता है आपका, ठीक है ना। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हो गया, चल ध्यान समझना बेटा इसको। देखिए इससे क्या होगा, पहले मैं आपको डिफिनेशन समझा दूं, फिर बेटा आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। पूरा किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक अणु की वह न्यूनतम संख्या, किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो अभिक्रिया जो अभिक्रिया जो अभिक्रिया के वेग, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, निर्धारित करती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लेना इसको। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। नोट कर लीजिए, चल माना एक सामान्य अभिक्रिया इस प्रकार है, ठीक है। ए ए बी बी सी कैपिटल सी डी और डी, ये जो बेटा है
ये स्टाइकियोमेट्री है बेटा, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताए थे भी थे। ओके, स्टाइकियोमेट्री है बेटा आपके, या कह सकते हो बेटा आपके मोलों की संख्या है, ए के मोलों की संख्या, बी सी और डी के मोलों की संख्या है। जबकि कैपिटल वाले जो बेटा है ये आपके अभिकारी और उत्पाद है, ठीक है। माना एक सामान्य क्रिया इस प्रकार है, ठीक है, तो इस अब क्रिया के लिए मैं रेट लिखूंगा, आर बराबर लिखूंगा, ठीक है। तो आर बराबर क्या होगा के, और जो मैं लिख रहा हूं ये रासायनिक बल गतिकी के नियमानुसार है, ठीक है बेटा, या वेग नियम के अनुसार है, या आप कह सकते हो वेग नियम। अभिकारी पदार्थ ए का सकी द्रव्यमान, अभिकारी पदार्थ बी का सकी द्रव्यमान। ओके, अब यहां पर ध्यान देना बेटा, ए और बी लगा तो यहां पर ए और बी नहीं होगा वेग के नियम के अनुसार, ये एक्सपेरिमेंटल बेटा है, प्रयोगात्मक है, ठीक है ना। तो प्रयोगात्मक में बेटा यहां पर ये वाला आएगा, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो इसीलिए यहां पर एक्स और वाई लिखते हैं, तीन हो गए तो जेड लगा लेंगे वहां पर। तो ए की पावर एक्स है, बी की पावर है वाई है, ये मत करना है बेटा कि यहां पर ये ए और बी लिखे जाएंगे, बी ए और बी नहीं होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल बेटा है, प्रयोगात्मक है, जब लैब में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसके आधार पे निकलता है कि ये किस कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है ना, और उसी के आधार पे ये लिखा जाता है। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया होगा तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ हिंट दे रखी होगी, एक्सपेरिमेंटल आप अपनी बुक में न्यूमेरिकल में देखना, जहां पर ऐसे सवाल होंगे मैं करवाऊंगा बेटा आपको, आप परेशान नहीं होना। तो अगर मैं आपसे पूछूं अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, जो अभिक्रिया की कोट होती है, जो ये अभिकारी पदार्थ की जो पावर लगी होती है, इन पावर को जोड़ दिया जाए, इनका जो योगफल होता है ना वो होता है अभिक्रिया की कोट। तो ये अभिक्रिया की कोट निकालने का फॉर्मूला है और ये डिफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको डबल स्टार दे रहा हूं बेटा, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, किसको, अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोट कहलाती है। हो गया ना, चल इसको मिटा रहा हूं, ये तो आपने लिख लिया है। चलिए मैं इसकी एक डिफिनेशन और लिख देता हूं, जो अभी आपने जो लिखा हुआ था उसी के बेस पे, जो आपने लिखा है ना उसी के बेस पे मैं बनाता हूं आपको एक परिभाषा, वो देखिए ध्यान से। किसी अभिक्रिया की कोटि, किसी अभिक्रिया की कोट, किसी अभिक्रिया की कोट उन समस्त घातों का योग है, उन समस्त घातों का योग है, योग आपने देखा था घात थी अभिकारी पदार्थों के, घातों का योग है, जिन्हें अभिक्रिया, जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए, प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए सांद्रता पदों पर लगाया जाता है, ठीक है। अभी आपने देखा था आर
रेट, ये प्रेक्षित दर में लिख रहा हूं, के ए शक्ति द्रव्यमान की पावर एक्स, बी शक्ति द्रव्यमान की पावर वाई, और अभिक्रिया की कोटि एक्स प्लस वाई थी आपकी। तो मैंने क्या बोला था, अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है, ये मैंने बोला था। अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है, ठीक है ना, जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर, तो जो मैंने ये लिखा हुआ है ये प्रेक्षित दर है, अब जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए सांद्रता पदों पर, ये सांद्रता पद है, पदों पर लगाया जाता है, लगाया जाता है, क्लियर है ना। नोट कर लीजिए बेटा, डिफिनेशन बेटा इसके बेस पे बना दिए, इसके बेस पे बना दिए, ठीक है। हो गया, चल बिठा देते हैं। अभी इसी के नीचे लिखेंगे बेटा थोड़ा और नई लाइन से, जो बेटा अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो आपको किस किस रूप में मिल सकती है, ठीक है ना। क्लियर ना, लिखो नई लाइन से, अभिक्रिया की कोटि शून्य शून्य पूर्ण संख्या शून्य पूर्ण संख्या, आप चाहे तो बेटा शून्य लिखे या ना लिखे, उसकी पूर्ण संख्या में ही शून्य आ जाता है, ठीक है ना। अगर आप शून्य नहीं लिखना चाहते तो यहां बेटा लिख लीजिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या कौन होती है, जीरो से जो स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अभिक्रिया की कोटि पूर्ण संख्या, भिन्नात्मक भिन्नात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक। अभिक्रिया की कोटि पूर्ण संख्या, भिन्नात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकती है, हो सकती है, हो गया। हो गया, चल नोट हो गया। देखिए उदाहरण, एक दो आप खुद लिख लेना बेटा। पहला है टू एनओ प्लस टू एच टू एन टू प्लस टू एच टू, ठीक है, गैस
गैस गैस लिक्विड, ठीक है बैलेंस है ना, ठीक बैलेंस है। अब देखो इसके लिए आपको हमेशा रेट लॉ मिलेगा, ठीक है ना, इसके लिए आपको रेट लॉ लिखा मिलेगा बेटा आपके लिए, रेट लॉ के अनुसार ये लिखा मिलेगा। वेग नियम बोलते हैं इसको, इसको हिंदी में बोलते हैं वेग नियम। अभी लिखाऊंगा मैं बेटा वेग नियम, ठीक है। तो वेग नियम के अनुसार जो बेटा होता है इसके लिए जो है वेग नियम के अनुसार आर बराबर के, अभिकारी पदार्थ है एनओ और दूसरा है H2, तो इसकी पावर होती है 2 और यहां तो आप जान ही दे रहे हैं 1। अगर मैं आपसे पूछूं अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि मैंने क्या बताई थी, x प्लस वाई, एक्स जगह पर है 2, वाई की जगह पर है 1, तो टोटल हुआ आपका 3, तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है ना। कोटि कितनी है इसकी, 3, यानी कि यह तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये जरूर लिखा मिलेगा बेटा आपको, रेट लॉ हमेशा लिखा मिलेगा किसी ना किसी में। H2 प्लस I2 इजिकल टू 2HI, तो इसके लिए रेट लॉ है और रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है, उनको लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। अभिकारी पदार्थ H2, अभिकारी पदार्थ I2, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हुई इसकी देख लो, अभिक्रिया की कोटि यहां पर 1 है यहां पर 1 है, एक्स प्लस वाई होता है, एक्स का मान भी 1 है वाई का मान भी 1 है, 1 और 1 2, ठीक है। बहुत से एग्जांपल है बेटा, हो गया। चल आगे देखिए, अब फटाफट बेटा वेग नियम लिख लीजिए, फिर आगे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। वेग नियम, रेट लॉ, ठीक है, इसको बोलते हैं वेग व्यंजक, इसी को बोलते हैं वेग स्थिरांक। ठीक है, नाम है बेटा जो भी नाम हो वो आप ले रहे, ठीक है ना। देखिए माना एक अभिक्रिया, माना एक अभिक्रिया ए बी सी डी, ठीक है ना, इस प्रकार है, ओके।
तो इसके लिए जो है हम लोग लिखेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार ये सैद्धांतिक होता है, सिद्धांतिक है या सैद्धांतिक बोल सकते हो, ये सिद्धांत, ठीक है ना, सिद्धांत के बेस पर क्या कहता है, रेट लॉ के अभिकारी पदार्थ का सबके द्रव्यमान ए का बी का, ठीक है ना, और इसके आगे जितना लिखा हुआ है मोलों की संख्या जो है वो पावर बन जाती है, ये सैद्धांतिक है द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम, ठीक है ना। प्रेक्षित दर समीकरण ये प्रायोगिक है, प्रायोगिक समीकरण है ये, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंटल है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट की गई है, ठीक है, प्रायोगिक समीकरण या प्रायोगिक मान बोल सकते हो इसको, ये बेटा मान प्राप्त हुआ है एक्सपेरिमेंट करने पर जो प्राप्त होता है, ठीक है। R बराबर के ए की पावर x b की पावर y, ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, या इसी को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि R बराबर जो बेटा हम लोगों ने पढ़ा था अभिकारी पदार्थ डी आर, अगर मान लीजिए रिएक्शन में रिएक्टेंट ले रखा है हम लोगों ने, यहां पे अगर रिएक्टेंट ले रखा है R और P बन रहा है, इस प्रकार से समीकरण ले रखी है, तो ठीक है ऐसे वाली, तो माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर में के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, समीकरण नंबर दो, चाहे इसको मानो चाहे उसको मानो, वही चीज बेटा है आर के स्थान पे हम जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था उठा के वही रख दिया यहां पे, ठीक है ना। आगे देखिए, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, और अभिक्रिया की कोटि को बेटा n से प्रदर्शित किया जाता है, तो होता है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। आगे जो भी अगर और भी है जेड है तो जेड भी कर सकते हैं प्लस में, क्रिया की कोटि को n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अगर आप वहां पे नहीं लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बेटा, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, लिखो, जहां n, जहां n n n अभिक्रिया की कोटि है, जहां n अभिक्रिया की कोटि है, ए वा सकी द्रव्यमान ऑफ ए, सकी द्रव्यमान ऑफ बी के घातांक जो घात लगी है एक्स वा वाई, जहां एन अभिक्रिया की कोटि है, ए वा बी के घातांक एक्स वा वाई रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति गुणांक ए वा बी, देखो भाई यहां पर ए वाई बी, तो ए वा बी के समान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, हो सकते हैं अथवा भिन्न भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं अथवा भिन्न भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके ना। समान भी हो सकते हैं अथवा भिन्न भी हो सकते हैं, नोट हो गया ना। आगे देखिए, इसकी डिफिनेशन को करते हैं, ठीक है ना, क्या नियम था हमारा बना,
अभिक्रिया के वेग का अभिकारक, अभिक्रिया के वेग का अभिकारक की सांद्रता, की सांद्रता के रूप में निरूपण, घनता के रूप में निरूपण वेग नियम कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। ठीक है, वेग नियम कहलाता है। इसे वेग व्यंजक भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा समीकरण दो में लिखा है ना, समीकरण दो, समीकरण दो वेग नियम है। ठीक है, समीकरण दो वेग नियम है। यदि सक्की द्रव्यमान ऑफ ए, सक्की द्रव्यमान ऑफ बी बराबर एक, ठीक है, मात्रक हो तो, ध्यान देना बेटा, अगर यहां बेटा हम सक्की द्रव्यमान ऑफ ए, सक्की द्रव्यमान ऑफ बी का मात्रक एक हो, तो एक मात्रक मतलब एक यूनिट मान लें हम इसको, तो क्या मिलेगा आपको, आप चाहे माइनस डी आर अपान डी टी लिखिए, और चाहे आप बेटा आर बराबर वो वाला लिखिए, आर बराबर के ए का सक्की द्रव्यमान पावर एक्स और बी की सक्की द्रव्यमान ऑफ वाई, तो आर बराबर के इसका भी मान एक्स एक और बी का भी मान एक, एक की पावर एक्स एक की पावर वाई। अब किसी भाई देखो, एक की पावर चाहे जितनी भी हो, एक लाख ही क्यों ना हो, एक ही आता है, क्लियर पॉइंट हमारा। तो एक की पावर यहां पर एक्स और एक की पावर वाई कितनी भी संख्या में हो, आएगा आपका एक ही, तो आर बराबर क्या बचा, के बचा, जो अभिक्रिया की दर है, जो के है, जो के जो है बेटा वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां पे लिखते हैं बेटा हम थोड़ी सी हिंदी, जगह नहीं है, चल तो थोड़ा इसको यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है, इसके नीचे लिखना है बेटा आपको, ठीक है, ये नीचे लिखना है इसके, ध्यान देखना, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों की सांद्रता, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों की सांद्रता इकाई मतलब एक इकाई या एकांक जो भी बोल जाओ, इकाई कर दी जाए, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ क्षमता इकाई कर दी जाए या कर दें, इकाई कर दें तो अभिक्रिया के वेग को ही अभिक्रिया के वेग को ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। ओके, नोट कर लीजिए, बाकी जो इसके एग्जांपल है बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
धन्यवाद।